हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम डॉल इंडेक्स गोल्ड और सिल्वर के इंटरडे टारगेट्स मार्क करते हैं और आज की जो आप बहुत स्ट्रॉग बुलिश कैंडल देख रहे हैं इसने देखिए ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा था डे के चार्ट पे इसको ब्रेक कर दिया है और आज जो है इसके बढ़ने के बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स रहे हैं ऑल तो बीच बीच में थोड़ा सा नेगेटिव डाटा भी रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट स्ट्रॉन्गली अपसाइड पर रही है तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि कौन से रीजन की वजह से यहाँ पर डॉल इंडेक्स ने अपसाइड का मूवमेंट लिया है देखिए तीन मेजर रीजन है सबसे पहला रीजन है कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही हैं उसकी वजह से लोग डॉलर इंडेक्स को सेफ हेवन मान रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सेफ रहेगा एज कम्पेयर टू और किसी स्टॉक में या और किसी कम कंट्री के करेंसी uh, में तो इसलिए डॉलर इंडेक्स की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो लोगों में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं दूसरा रीजन है कि जो येन है उसमें कमज़ोरी देखने को मिली है क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बैंक ऑफ़ जापान जो है इस साल भी अपने इंटरेस्ट रेट को रेज़ नहीं करेगा तो बैंक ऑफ़ जापान का चाइना का और यूरोप का ये डाटा जो है डॉलर इंडेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगली इम्पैक्ट डालता है और अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन इन करेंसीज़ की तरफ और इन इंडेक्सेस की तरफ चेंज होते हैं तो इसका इम्पैक्ट भी हमें डॉलर इंडेक्स के ऊपर देखने को मिलता है तो येन जो है इसके ऊपर नेगेटिविटी आई है मार्केट में आज और एक्सपेक्टेशन है कि आ, बैंक ऑफ जापान अपना इंटरेस्ट रेट इस साल इंक्रीज़ नहीं करेगा इसकी वजह से येन कमज़ोर हुआ है और येन के कमज़ोर होने की वजह से डॉलर इंडेक्स मज़बूत हुआ है

येन गिर जाता है यन हो जाता है आपका मान लीजिए सेवन एट से घटके वो सेवन हो जाता है अब इसमें मजबूत कौन सा लग रहा है हमें डॉलर इंडेक्स हालांकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया चेंज आया है येन में लेकिन इसके सामने जो है एट नंबर ज़्यादा बड़ा लग रहा है और ये मजबूत लग रहा है तो सेम चीज होती है अगर किसी एक देश की करेंसी इस तरह से कमजोर होती है तो दूसरा देश जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है तो ये बहुत ही सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करी है आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड uh, रीज़न की थर्ड रीज़न है जो आई का नॉन मैन्युफैक्चरिंग पी का डाटा है वो काफ़ी बढ़िया आया है फिफ्टीन फिफ्टी से ये 54.9 बढ़ गया है यानी कि मैनुफैक्चरिंग

ये जो तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है ये वीकनेस को दर्शा रहा है लेकिन अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो हम ये नहीं कह सकते कि डॉल इंडेक्स अभी कमज़ोर हो जाएगा लेकिन ये जो कैंडल का कॉम्बिनेशन इस टाइम पे बनता हुआ नजर आ रहा है ये तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन वीकनेस दिखाता है मार्केट में तो अगर ये जो कैंडल अभी बन रही है ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम सेल साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट अदरवाइज अगर हम यहाँ पे मार्किंग करें तो हमारे पास जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा हमारा 102.101 इसके अलावा बाकी सारे डिसेसिव लेवल्स को हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं ग्रीन मार्क कर लेते हैं ठीक है इसके बाद हमें मार्किंग करनी है अपने टारगेट लेवल्स की जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट यहां से ले है, अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती है स्ट्रॉन्ग ब्रिश कैंडल का मतलब है कि विक छोटी है और बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है तो ऐसी कैंडल अगर क्लोज हो जाती है और अगर मार्केट इस वाली कैंडल जो डोजी कैंडल इसके भी नीचे क्लोज हो जाती है तो और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और 101.814 इमीडिएट टारगेट रहेगा उसके बाद 101.675, 101.585 और 101.330 का ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं सेल साइड के लिए इसके बाद ओ, अगर बाई सेट की बात करें तो अगर मार्केट सबसे पहले मार्केट हंड्रेड टू पॉइंट टू फाइव नाइन पे हिट करेगी उसके बाद हमने यहाँ पे आर फोर नजर आ रहा है हमें इसको हम आ कर लेते हैं आर फोर को ठीक है अब पेवर्स हम ऑफ कर देते हैं आर फोर हमारा इमीजिएट और फर्स्ट आगेगा हंड्रेड टू पॉइंट फाइव फाइव फोर सॉरी सेकेंड टारगेट रहेगा उसके बाद हंड्रेड टू पॉइंट सेवन जीरो थ्री ये हमारे बाई साइड के ट्रेड्स रहने वाले हैं इसके बाद डे के चार्ट पे चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं और भी ऐसा कोई लेवल है जो कि मार्केट को स्ट्रांगली इम्पैक्ट दे सकता है तो हम उसको मार्क कर लेंगे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक हाई बना हुआ है और इसी के सामने यहाँ पे जो है एक लो भी बना हुआ है तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ये हमारा नेक्स्ट लेवल बन सकता है आवली चार्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार आवली चार्ट पे ऐसे कोई लेवल है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मल्टीपल टाइम्स दे रखा हो ये देखिए ये हमने अभी भी माक करी थी ये आवली चार्ट पे भी कितना वैलिड लेवल है उसके बाद ये एक लो बन रहा है आवली चार्ट पे इसको भी हम मार्क कर लेते हैं तो सफिशियंट लेवल्स हैं ये हमारे बाईस के रह सकते हैं आप और लेवल्स मार्क कर सकते हैं यहाँ पे हंड्रेड थ्री पॉइंट टू सिक्स वन हंड्रेड थ्री पॉइंट सिक्स नाइन फाइव पेवर्ड्स भी एक बार चेक कर लेते हैं आर फाइव देखिए बीच में आर फाइव आ रहा है इसको भी मार्क करना होगा ये भी हमें डिस्टर्ब कर सकता है तो ये हमारे लेवल्स रहने वाले हैं वन बाय वन मार्केट हिट करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएगी लेवल टू लेवल आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं ठीक है तो ये रहेगा हमारा डॉल इंडेक्स और अब हम बात करते हैं गोल्ड की गोल्ड में देखिए मार्केट ने कैसे मूवमेंट दिया हमें बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ यहाँ से यहां पे चलते हैं यहाँ से बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट हिट किया ऑल दो मार्केट इसके ऊपर भी गई है लेकिन ऊपर ज्यादा देर रुके नहीं अब इसको देखते हैं क्यों नहीं रुकी है यहां पर अगर आप इन कैंडल्स को नोटिस करेंगे ये वाली कैंडल्स को नोटिस करेंगे और इनके अगेंस्ट आप इन वॉल्यूम्स को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं पे काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है और एक चीज और देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए आप यहाँ पे देखिए प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम यहां से देखिए नीचे की तरफ गिर रही है ठीक है ना वॉल्यूम यहाँ से अगर यहाँ से भी देखेंगे तब भी नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है वॉल्यूम ये देखिए यहां से वॉल्यूम नीचे की तरफ गिर रही है डाइवर्जेंस क्रिएट हो रखा है एक तरह से ठीक है ना इसकी वजह से जो है यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर सकते हैं और सेम वैसे ही हुआ जैसे मार्केट को मौका मिला मार्केट स्ट्रांगली नीचे गिरी और स्टेप बाई स्टेप देखिए पहले ये लेवल हिट किया फिर ये वाला लेवल हिट किया उसके बाद हमारे लिए जो डिसिव लेवल है उसको ब्रेक करते हुए हमारा फर्स्ट सेल से का ट्रेड हिट किया यहाँ पर सेल से का ट्रेड इस कैंडल पे एक्टिवेट भी हुआ और हमारी इस वाली विक ने जरूर किया है ऑल दो विक ने किया लेकिन विक ने हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट हिट कर दिया है ठीक है लेकिन गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज स्टेट में ही लगा है जितना क्लियर हमें ट्रेड्स डॉलर इंडेक्स में देखने को मिले उतने क्लियर हमें यहाँ पे गोल्ड में देखने को नहीं मिले रीजन उसका ये है क्योंकि लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या डॉलर इंडेक्स में डॉलर इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा आपको रिटर्न दे रहा है इस टाइम पर और सेफ भी लग रहा है और गोल्ड हमेशा सेफ ही रहा है तो दोनों ही सेफ लग रहे हैं इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है ठीक है तो अभी हम बात करते हैं कल के लिए लेवल्स को उसको मार्क करते हैं सबसे पहले डिसेसिव लेवल मार्क करेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे हम देख चुके हैं पहले भी टू सिक्स फाइव थ्री पर यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी सपोर्ट मिला यहाँ पे भी रेजिस्टेंस यहाँ पे भी रेजिस्टेंस तो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस देखा है हमने तो इसको हम सबसे पहले मार्क करेंगे ये अगर ब्रेक हो जाता है तो बाई साइड का ट्रेड मिलेगा टू सिक्स फाइव एट टू सिक्स सिक्स फोर टू सिक्स सेवन वन टू सिक्स सेवन सिक्स एक और लेवल मार्क करते हैं टू सिक्स एट टू ये बाई साइड के हमने बड़ी सारी ट्रेज मार्क करें क्योंकि कल भी अच्छा डाटा आ रहा है ठीक है अभी डाटा हम डिस्कस करेंगे लास्ट में एंड में वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल साइड के लिए अगर हम बात करें तो ये रहेगा हमारा लेवल सेल साइड के लिए इसके नीचे अगर मार्केट बियरिश कैंडल की क्लोजिंग देती है बुलिश की नहीं अगर आप कहेंगे ये वाली बुलिश कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो हमें सेल साइड में ट्रेड लेना है तो ऐसा नहीं करेंगे हम हमें बियरिश कैंडल चाहिए रेड कैंडल चाहिए ठीक है वो भी स्ट्रॉग स्ट्रॉन्ग का मतलब है विक छोटी होनी चाहिए और बॉडी बड़ी होनी चाहिए कैंडल की तो अगर ऐसा होगा तो हमें सेल साइड पर ट्रेड मिलेगा टू सिक्स फोर वन टू सिक्स फोर फोर उसके बाद एक लेवल और मार्क करना पड़ेगा मैं यहाँ पे देखिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे अगर इसको आप यहाँ से भी मार्क करना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है यहाँ पे भी सपोर्ट यहाँ पे भी सपोर्ट मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिल रहा है और इस छोटे से एरिया में जो है ट्रेड लेना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है हम इसमें इतने जल्दी ट्रेड में एंट्री एग्जिट नहीं ले सकते ठीक है ना तो हमें क्या करना होगा इस एरिया को इग्नोर करना होगा हम इसमें ट्रेड में एंट्री ही नहीं लेंगे हम नेक्स्ट एंट्री कब लेंगे जब टू सिक्स फोर टू के नीचे मार्केट क्लोज करेगी तो टू सिक्स थ्री एट तक का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं

प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम नीचे गिर रही है डाइवर्जेंस क्रिएट हो रखा था यह भी एक इंडिकेशन हो जाता है कि मार्केट कमजोर हो रही है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ सेल से कट रहीवेट किया मार्केट काफी नीचे तक गिरी है लेकिन हमारा टारगेट हिट नहीं किया लेकिन इसकी वजह से हमारे को एक नया लेवल जरूर मिल गया है ये देखिए यहाँ पे एक लेवल अगर इसको हम हिस्ट्री पीछे से मार्क करते हैं इसको इस लेवल को यहाँ से मार्क करना शुरू करते हैं यहाँ से देखिए यहाँ से मार्केट ये वैलिडेट करता हुआ आ रहा है इस लेवल को यहाँ पे स्ट्रॉग रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस रहा है यहाँ सपोर्ट नहीं एक्जैक्टली exactly, यहाँ पे भी काफ़ी घंटों तक तो मार्केट इससे सपोर्ट लेती रही तो बहुत ही बढ़िया हाँ मार्के को एक लेवल मिला है यहाँ पर और इसके बाद मार्केट ने यहाँ से बाईस इट का ट्रेड एक्टिवेट किया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टारगेट मार्केट ने यहाँ पर हिट किया है और जो तो लास्ट जो टारगेट्स हैं ये दो टारगेट्स हमारे एक्टिवेट नहीं हुए और ना ही मार्केट ने हिट किया है तो अभी हम इनको इरेज कर देते हैं और ये लाइन भी इरेज कर देते हैं डेसेसिव लेवल हमारे पास एक ही रहेगा जहाँ पे एग्जैक्टली exactly मार्केट इस टाइम पे काम कर रही है ये रहेगा थर्टी वन पॉइंट नाइन सिक्स का लेवल ये अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो थर्टी टू पॉइंट वन नाइन थर्टी टू पॉइंट थ्री फाइव थर्टी टू पॉइंट फोर सिक्स ये रहेंगे हमारे बाई सेट के रेट्स और इनके से अगर मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेती है थर्टी वन पॉइंट एट थ्री मार्केट नीचे गिर सकती है लेकिन कब गिरेगी इसके लिए हमें वेट करनी होगी क्योंकि कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है मैंने ऐसे क्यों कहा है क्योंकि देखिए प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं सेम चीज प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम नीचे गिर रहे हैं ठीक है वॉल्यूम अगर यहाँ से बढ़ जाती है तो एक अलग बन जाएगा लेकिन अभी फिलहाल अगर हमें हम देखें तो यहाँ डाइवर्जेंस क्रिएट हो रखा है मार्केट में प्राइस क्वान्ट्यूसली ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम नीचे गिर रही है तो यहाँ से हमें नेगेटिविटी आने वाली एक या दो कैंडल्स में मिल सकती है हो सकता है मार्केट इसी कैंडल के पास बाद अगर ये बहुत लो वॉल्यूम आती तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम नहीं है तो इसकी एक दो कैंडल्स के बाद हम सेल सर का ट्रेड प्लान कर सकते हैं ठीक है तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान में रखिए तभी मैं आपको कहती हूँ कि भी अपना वॉल्यूम का चार्ट हमेशा ओपन करके रखिए अपने उस पर चार्ट के ऊपर वॉल्यूम का इंडिकेटर क्योंकि अगर वॉल्यूम देखना भी नहीं आता है तब भी जब जब मार्केट में चेंजेस आते हैं तो वॉल्यूम पर हमारी नजर जाएगी और हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा लग जाता है ठीक है तो आपको धीरे धीरे वॉल्यूम चार्ट रीड करना आ जाएगा ये हमारे रहेंगे सेल साइड के ट्रेड्स एक्स ए जी यू डी के लिए इनको भी आप मांग कर लीजिए सिल्वर एम पे स्विच करते हैं और सिल्वर एम पे देखिए कितना बढ़िया हमें ट्रेड मिला है बाई साइड का यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट यहाँ पे सेकंड टारगेट के राउंड ही मार्केट ने हेट किया यहाँ से बाई साइड के एक और ट्रेड एक्टिवेट हुआ नेक्स्ट टारगेट और ये अभी और नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है तो अब साइड का मूवमेंट बना हुआ है यहाँ पे ज़्यादा लेस ज़्यादा मतलब लो वॉल्यूम नहीं बनी अभी अभी कैंडल नहीं शुरू ही हुई है और ये वॉल्यूम भी चाहिए तो मोस्ट प्रॉब्लम माके जो 92843 को बहुत इजीली हिट कर लेगी ठीक है तो अभी हम सबसे पहले ये मार्किंग इरेज़ करते हैं और डिसीसिव लेवल के तौर पे 92843 हम मार्क करते हैं एज इन ब्लैक कलर मार्क करेंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पे आवली चार्ट पे तो हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है डे के चार्ट पे भी हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि ये एम सी एक से नहीं मिल सकती है हमें डे के हार चार्ट पे। देखते हैं यहाँ पे कोई और लेवल्स डे के चार्ट पे हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं ऑलमोस्ट सभी लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं एक ये हाई और मार्क कर लेते हैं ये भी हमें बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है ठीक है बट अदरवाइज डे के चार्ट पे हमने सभी लेवल्स मार्क कर रखे हैं ठीक है अब हम चलते हैं आवली चार्ट पे वापस से डिस्सिव लेवल हमारा मार्क्ड है 92843 अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक यहाँ पर एक लेवल मार्क कर सकते हैं यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था तो ये लेवल रहेगा हमारा नेक्स्ट टारगेट 93,187 उसके बाद मिलेगा 93,792 94,198 ये हमारे बाई सेट के डेज रहेंगे सेल सेट की बात करें और अगर हम यहीं से रेजिस्टेंस लेती है तो नाइन्टी टू थ्री एट टेन नाइन्टी और नाइन्टी ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा सेल सैट के लिए ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए और बात करते हैं डाटा की लेकिन उससे पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं देखिए एक्सनेस को हम क्यों बोलते हैं क्योंकि हमने बहुत यूज़ किया हुआ है इसको और बहुत कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है आज तक हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई है तभी हम आपको रोज़ बोलते हैं बार बार बोलते हैं कि आप एक्सन पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक्सन पे बहुत ईजिल आप ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा फंड्स भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है थोड़े से फंड्स भी जैसे आप एम में ट्रेड लेते हैं उसमें थोड़े से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा आपको फंड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो इसीलिए हम आपको एक्सेस बोलते हैं और एक्सेस का अकाउंट किस तरह से ओपन करना है वो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस आप अप, आपके लिए अपलोड कर रखी हैं आप उन वीडियोस को देख देख कर अपने फंड्स को ऐड और विद्रॉ कर सकते हैं साथ साथ अपने अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप उसके थ्रू अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं सो बात करते हैं डाटा की डाटा पर स्विच करते हैं छः बजे बहुत बढ़िया डाटा आ रहा है यहाँ पर दोनों ही टाइम लेकिन छः बजे ही आ रहा है दोनों ही डाटा तो इम्पोर्टेंट डाटा है और इसके अलावा भी बहुत सारा डाटा है लेकिन उसके लिए आपको हमारे हम आपको पे बताते हैं कि कौन सा डाटा किस टाइम पर आ रहा है और किस चीज के ऊपर वो इम्पैक्ट डाल सकता है तो एक्सपेक्टेड फिगर्स हमें कल देखने को मिलेंगे सॉरी एक्चुअल फिगर्स हमें कल देखने को मिलेंगे नॉन फार्म पेरोल का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है नॉन फार्म पेरोल जितना बढ़ेगा डॉलर इंडेक्स उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है नेगेटिव चीज़ है ये हमारे कंट्री के लिए किसी भी कंट्री के लिए जितनी अनएम्प्लॉयमेंट जितनी बेरोजगारी देश में बढ़ेगी उतनी ही इकोनॉमी उस देश की कमजोर होगी उतनी ही जो करेंसी है उस देश की कमजोर होगी ठीक है तो डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस का बढ़ावा आया तो तो ये दोनों डाटा छह बजे आ रहे हैं और ये डाटा जो है आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कॉशियसली प्लान कीजिएगा क्योंकि अगर एक डाटा बोल रहा है पॉजिटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा दूसरा डाटा पॉजिटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आएगा और अगर दोनों ही डाटा पॉजिटिव आ जाते हैं तो डॉलर इंडेक्स किधर जाएगा ये हमें भी नहीं पता तो इस टाइम पे हमें क्या करना होगा थोड़ी सी वेट करने दीजिए आप चार पांच मिनट पहले के निकल जाने दीजिए आपको मोमेंटम का पता चल जाएगा कि मार्केट किस साइड जा रही है अगर मार्केट डाटा आते ही ऊपर से एकदम से ऊपर गई एक दो सेकंड के अंदर ही ऊपर गई उसकी मार्केट फिर से नीचे आई स्ट्रॉन्ग नीचे गई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट निकल जाने दीजिए जब मार्केट धीरे धीरे मूवमेंट लेना शुरू करे तब आप यहाँ पे एंट्री लीजिए यहां तक का आपको ट्रेड बढ़िया मिल जाएगा ये आपका प्रॉफिट रहेगा इसको आप कवर कर सकते हैं ऑल हमारे पास ये प्रॉफिट निकल जाएगा ये प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा लेकिन ये जो इतना बड़ा रिस्क है ये भी आप छोड़ देंगे तो प्रॉफिट में आपका ट्रेड क्लोज होगा और रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो इसलिए अगर इस तरह का डाटा आता है सेम टाइम पर आता है मिक्स डाटा आता है तो उस केस में आपको थोड़ा सा देर वेट करनी होती है मार्केट एक डाटा की तरफ रिस्पॉन्स देगा और जैसे ही वो एक डाटा की तरफ रिस्पॉन्स देगा उस रिस्पॉन्स को हमें कैच करना होता है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और डाटा एनालिसिस की वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो और टेक्निकल भी हमने जो भी लेवल्स मार्क करें ये आप मार्क कर सकते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रांग करने के लिए ई so होप आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मार्क्स मार्क्सम प्रॉफिट्स ऑन कीजिए ओके इन्वेस्टर्स बाय बायरीबडी टेक केयर एंड नाइट